हेलो दोस्तों, बायो ब्रेनर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने एक बहुत ही फ्रेश स्पीसीज ऑर्थोपोडा का स्कॉर्पियन को लेके आया हूँ। इसको लाइव देखना बहुत मुश्किल होता है, ये कभी कभी ही दिखते हैं। अभी रेनी सीजन है तो ये मेरी नज़र में आया और मैं इसको थोड़ी सी डैमेज किया जिससे ये चल ना सके। इसके ये वेनम ग्लैंड को देखिए, इसी वेनम ग्लैंड में इनके पॉइजनस टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं जो ये कट करते हैं, ये इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन को और इसी से ये फिर इंजेक्ट कर देते हैं अपने वेनम को। उसके बाद देखते हैं कि ये ऑर्थोपोडा इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनके ज्वाइंट लेग है, देखिए इनकी हड्डियाँ ज्वाइंट ज्वाइंट है। और आगे देखेंगे तो इनके फोर पेयर्स ऑफ लेग है। तो इस वीडियो से हमें क्लियर होगा कि और ये ऑर्थोपोडा का जो स्कॉर्पियन है, इनके चार पेयर लेग पाए जाते हैं। अगर आप केकड़े को देखे होंगे, क्रैब को देखे होंगे, तो क्रैब के पास भी सेम इसी तरह के ऑर्गन हैं, ये इनके हैंड है, अपेंडेजेस भी बोल सकते हैं बायोलॉजी टर्म में। जैसे क्रैब अपने फूड को पकड़ता है उसी तरह ये भी, इनके ये जो पार्ट है बहुत हार्ड है, स्केलेटन के बने हुए हैं और ये अपने प्रे को पकड़ते हैं और आसानी से खाते हैं। इनके सेगमेंट जो होते हैं दोस्तों, ये 7 सेगमेंट पाए जाते हैं, 7 सेगमेंट है। और ये 7 सेगमेंट को हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस किसी भी स्कॉर्पियन के, चाहे छोटे हो या बड़े हो, ये एडल्ट स्कॉर्पियन है, इनके 7 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर इनके बारे में देखें तो इनका जो बॉडी पार्ट्स है 3 में डिवाइड होता है। ये थोरेसिक रीजन है जिसमें हेड रहते हैं और सिफेलोथोरेक्स भी हो जाता है। सिफेलोथोरेक्स मीन्स ब्रेन प्लस थोरेक्स, इसीलिए इस रीजन, दोनों रीजन को बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स रीजन। ये रीजन है एब्डोमेन रीजन और ये रीजन है टेल रीजन। ये है इनके अपर पार्ट्स। अब मैं आपको इनके बैक पोर्शन को, पोस्टीरियर पोर्शन को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपके सामने इनके बैक पोर्शन रहे, बैक पोर्शन और भी क्लियर हो जाते हैं इनके सेगमेंट्स। इस रीजन में हम लोग देख सकते हैं कि ये मेल और फीमेल है। तो इसमें ये मेल है कि फीमेल, इनके एब्रोड रीजन अगर इनके पास है, अगर इनके पीछे के पोर्शन चौड़ी है तो ये होंगे फीमेल, और अगर ये रीजन पतली होगी तो ये होंगे मेल। अभी यहाँ क्लियर देखना मुश्किल है कि ये मेल है कि फीमेल, और गेस कर सकता हूँ कि ये फीमेल है। और इसीलिए हमेशा बायोलॉजी में फीमेल जो होती है वो बिगर साइज के भी होते हैं, तो ये आसानी से हम लोग देख सकते हैं इसको। और भी अगर देखेंगे तो थोड़े थोड़े इनके बॉडी पार्ट्स में यहाँ पे हेयर दिख रहे हैं, ये इनके हेयर्स हैं, टेंटिकल्स, जो इनके सेंसेशन में भी इनको मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारे वीडियो में स्कॉर्पियन के बारे में, थोड़ा इनको लाइव देखकर और इनके बारे में स्टडी करें। तो दोस्तों, मेरा ये कलेक्शन आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।